उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सूबे के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं और पूरे सूबे में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है। बिजली कर्मियों के पहले दिन कार्य बहिष्कार के बाद पैदा हुए बिजली संकट से योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सोमवार शाम ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें ऊर्जा मंत्री ने निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालांकि यूपीपीसीएल और विद्युत कर्मचारियों के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है। ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद यूपीपीसीएल चेयरमैन ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चेयरमैन ने कहा कि जब टेंडर की प्रक्रिया और व्यवस्था में सुधार हो जाएगा तब निजीकरण के प्रस्ताव को कैंसिल करेंगे। ये सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने जा रही है, उसके विरोध में हम सब लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि निजीकरण सरकारी तंत्र की लूट है। पूर्वांचल में निजीकरण का जो कार्यक्रम है ये पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है और इसके सपोर्ट में पूरा देश, केवल आज के दिन पूरे देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी आज के डेट कार्य बहिष्कार पे हैं। मांगे तो कोई भी नहीं मांगी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है। ये हमारे लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए भी नुकसानदायक होगा आगे चल के। बातचीत में फेल होने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। यूपी के कई शहरों में कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने से पहले बिजली की आपूर्ति बंद कर दी है। यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, देवरिया, आजमगढ़, बाराबंकी, गोरखपुर, मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर सहित कई जिले और शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रदर्शन के चलते डिप्टी सीएम से लेकर ऊर्जा मंत्री और विधायक के घरों की भी बिजली गुल हो गई है। बिजली गुल होते ही उपकेंद्र पर फोन घनघनाने लगे, लेकिन बिजली कर्मियों के प्रदर्शन के चलते किसी का भी फोन रिसीव नहीं हुआ। कहीं पानी को लेकर हाहाकार मचा तो कहीं गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया। शाम होते होते लोगों को पीने के पानी तक के लाले पड़ गए। हड़ताली कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है, जो सही नहीं है। सरकार और समिति के बीच पिछले 5 अप्रैल 2018 को हुए समझौते का पालन किया जाए। दरअसल 5 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने संगठनों के बीच ऊर्जा प्रबंधन के साथ एक समझौता किया था, जिसमें कहा गया था कि निजीकरण से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार कर्मचारियों को विश्वास में लेगी और बिना विश्वास में लिए कोई भी फैसला नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।